दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हरियाणा टेट एच टेट के पिछले वर्षों के हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। आप अपनी तैयारी परखने के लिए यदि चाहें इन क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो निर्देश में प्रश्न 1 से 4 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। दशानन, इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधार, द्वंद्व। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, बहुव्रीहि समास। अब देखिए, बहुव्रीहि समास को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान के नाम आ जाए या कोई विख्यात व्यक्ति का नाम आ जाए, तो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगला है रोग पीड़ित, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधार, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो देखिए, रोग से पीड़ित, बीच में से आ रहा है, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा ऐसे मैं पेपर हो जाता है, इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं रोग पीड़ित। रोग से पीड़ित यहां पर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को। अगला है प्रतिमान, इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधार, अव्ययीभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो इसमें होगा अव्ययीभाव समास। अगला है वीर पुरुष, वीर है पुरुष, इसमें कौन सा समास होगा? बहुप्रिय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व समास। इसमें होगा आपका तत्पुरुष समास, मैंने आपको बताया था वीर है पुरुष। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न 5 से 9 तक नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 5वें में है चांद, चंद्रमा, चंदर, चंद। आंसर क्या होगा? तो देखिए, आंसर हो जाएगा आपका बी, चंद्रमा। 6वें में है छेद, झंडा, विवाह, सिंह। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, विवाह। 7वें में हंसी, कपूर, ओज, आम। इसमें हो जाएगा आंसर आपका सी, ओज। नेक्स्ट है खेत, नहर, निर्मम, कुछ। इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा सी। 9वें में सुमन, नाखून, कौवा, वहाव। क्या आंसर होगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए, सुमन। अगले में देखते हैं प्रश्न 10 से 15 तक नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 10वें में कान, नासिका, परीक्षण, कटक। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कान। ओके, 11वें में है पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। इसका आंसर हो जाएगा ए, आपका पीड़ा। नेक्स्ट में है पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य। इसमें तद्भव शब्द कौन सा होगा बताइए? इसमें जो आपका तद्भव शब्द होगा वो होगा अंधेरा। 13वें में है वालिका, बेंत, आज्ञा, सिद्ध। तो 13वें में तद्भव शब्द कौन सा होगा बताइए? आंसर हो जाएगा बी, वेंत। अगला है रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति। आंसर हो जाएगा आपका बी, तमंचा। ओके, अगला है परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। योगरूण, रूण, योगिक, शंकर। तो क्या कहलाते हैं ये पूछा जा रहा है, ये कहलाते हैं योगरूण। अगला देखते हैं प्रश्न 16 से 20 तक निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से विमल असंगत शब्द चिन्हित कीजिए। शारीरिक, दैहिक, मानसिक आदि। तो ये बताइए इसमें विमल शब्द कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर हो जाएगा आपका आदि। 17वें में घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। इसमें विमल शब्द कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा ए, आपका घर। 18वें में सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष। इसमें विमल शब्द कौन सा होगा बताइए? इसमें विमल शब्द हो जाएगा आपका सी, मस्तक। 19वें में निगाह, दृष्टि, नेत्र, नजर। विमल शब्द कौन सा होगा? सी, नेत्र। 20वां है समस्या, जटिलता, कठिनाई, खेद। इसमें विमल शब्द कौन सा होगा? इसमें विमल शब्द हो जाएगा डी, आपका खेद। अगला है 21 से 24 तक निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द छांटिए। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बहुत ही इजी है, आसानी से आप बता सकते हैं, नरक, ब्रह्मांड, यमलोक, घव। बताइए क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका डी, घव।
अगला है कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ऑप्शन आपके किनरेस, कोविद, धनाधिप, राज, राज। क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची शब्द होगा धनाधिप। बहुत इजी है। रात्रि, बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? छपा, तमीचर, अमा, विवाभरी। क्या होगा आंसर? हो जाएगा डी आपका, विवाभरी। नेक्स्ट है भागीरथी। तो भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सरिता, गंगा, यमुना, निरक्षरी। क्या होगा? भागीरथी का पर्यायवाची शब्द होगा वी, गंगा। 25वें क्वेश्चन में नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता के नाम का चयन कीजिए। जाको जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर। बताइए क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा सी आपका, तुलसीदास। अगला है 26वां, कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है? मैथिली, अवधी, ब्रजभाषा, बघेली। आंसर हो जाएगा आपका ए, मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन आपके हैं लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी, शौरसेनी, अपरवस। आंसर हो जाएगा आपका डी, शौरसेनी, अपरवस। 28वां है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका ए, पाली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा डी आपका, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, इनमें से कोई नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, बताइए क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा बी आपका, व्याकरण से होता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। तो क्या कहलाते हैं ये पूछा जा रहा है, तो ये कहलाते हैं स्वर। अगला, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? ऑप्शन आपके हैं स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। क्या आंसर होगा बताइए? आंसर हो जाएगा बी आपका, व्यंजन हो जाएगा। अगला है 33वां, का, खा, गा, फा में कौन सा उर्दू सी लिया गया है? ऑप्शन आपके हैं का, फा, गा या खा। तो आंसर हो जाएगा डी आपका, खा। 34 क्वेश्चन है, जिन शब्दों में अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। तो क्या कहलाते हैं ये पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा डी आपका, अकारांत कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है, 35 से 39 तक निम्नलिखित विकल्पों में, सॉरी प्रश्नों में, चार वैकल्पिक बर्तनी दी गई हैं, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको इसमें सही बर्तनी छाटनी है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर हो जाएगा सी आपका, ये आपकी सही शुद्ध बर्तनी होगी, ठीक है। 36 में आपको बताना है कि इसमें शुद्ध बर्तनी कौन सी है। आंसर हो जाएगा पूंजीवाद। 37 में देखिए कौन सी बर्तनी शुद्ध होगी, 37वें में शुद्ध बर्तनी शुद्ध होगी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 38 की बताइए बर्तनी कौन सी शुद्ध होगी, 38 की बर्तनी शुद्ध होगी डी। 39 का बताइए इसमें कौन सी बर्तनी शुद्ध है, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ए। निर्देश में देखिए, 40 से 41 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न दिए गए शब्दों में प्रत्येक संधि के प्रकार का चयन कीजिए, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। ये बताना आपको कवीश्वर में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। तो कवीश्वर में कौन सी संधि होगी, कवीश्वर में दीर्घ स्वर संधि होगी। संसार में कौन सी संधि है, सत धन सार स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो संसार की संधिच्छेद क्या होगी, सत धन सार, बताइए क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है पहले आपको उसको तोड़ना होगा। तो देखिए, सत धन सार बराबर संसार, ये आपकी संधिच्छेद हो जाएगी संसार की। तो इस तरह से आप करेंगे और तोड़ेंगे तो ये आपको हलंत वाला दिख रहा है, तो ये हलंत का मतलब है व्यंजन संधि, तो ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि, ठीक है। इस तरीके से तोड़ के आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगला है, तन्मय में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी होगा तत् धन मय। तो इस प्रकार से आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका तन्मय,
ये हलन दिख रहा है आपको, तो इसे आप पहचान सकते हैं व्यंजन संधि। अगला है इत्यादि। इत्यादि संधि विच्छेद क्या होगी? इति धन आदि, इत धन आदि। तो इत धन आदि किस कौन संधि होगी? यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि? इसमें होगा यण संधि। अगला है निर्देश में प्रश्न 44 से 50 तक निम्नलिखित प्रश्नों में सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पुनर्जन्म की सही संधि विच्छेद क्या होगी बताइए? पुनर्जन्म आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके 45 पितृ ऋण बताइए, पितृ ऋण की सही संधि विच्छेद क्या होगी तोड़ के बताइए? आंसर हो जाएगा आपका सी। इत्यादि बता चुका हूं आपको, इतिधन आदि आंसर क्या होगा बताइए? इतिधन आदि। युधिष्ठिर क्या आंसर होगा? आसानी से बता सकते हैं, बहुत ही इजी है ये, ऑप्शन सही हो जाएगा। जगदीश, जगदीश की सही संधि विच्छेद क्या होगी? जगत धन ईश। और यदि पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है तो क्या कहेंगे, कौन संधि होगी इसमें, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। 49 है कनकटा, कनकटा की संधि से सही क्या होगी? वी कांधन कटा, रामायण, रामायण की संधि से क्या होगी? सी राम धन अयन।